नमस्कार दोस्तों, आपका फिर मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दिखाता हूँ जरा मौसम का मजाज, यहाँ के मौसम का। काफ़ी चिल मौसम है, तो मैं निकला था, मैंने कहा चलो कुछ बना लेते हैं, दिखा लेते हैं। तो ये देखो बाहर का, ये देखो सामने का दृश्य। यहाँ पर घूमने और भी लोग आए हुए हैं। इधर बगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ काफी ऊंचे हैं, बस थोड़ा पेड़ से याद आया कि पेड़ तो आपने ये इंडिया में भी देखे होंगे, क्योंकि पहाड़ों में, हिमाचल में, उत्तरांचल में ऐसे बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे आपको, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। चलो पेड़ से बात चली तो मैं आपको पेड़ ही दिखा लेता हूँ। आज मैं आपको ले जाता हूँ तारतू सिटी में, सेब के बगीचे में। यहाँ जो सेब लगे हैं उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। ये जो पीछे बूटे हैं ये सेब का है, और ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, लाल लाल सेब हैं ये। पर यहाँ पर मैंने सुना है कि ये गवर्नमेंट का तो नहीं, मतलब गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं, पर इसको कोई हर कोई खा सकता है। तो हम भी ट्राई करेंगे इसको देखने की, खाने की, और देखते हैं। नीचे तो है नहीं, एक भी दाना, पर ऊपर चढ़ना पड़ेगा इसके लिए। सेब का बगीचा, और कमल भाई हमारे एक बार फिर हमारे साथ, और सेब का पेड़। ये काफ़ी शानदार कलर आ गया इन सेबों में। नीचे नीचे से तो खाली है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने इसको, जो नीचे के सेब हो गए वो हाथ से तोड़ लिए नीचे से ही। यहाँ पर लोग ऊपर जरा रिस्क नहीं लेते, नहीं चढ़ते इस पर, तब ये है इतने सारे सेब। हम देखते जरा चढ़ते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हम तो चढ़ जाएंगे, मेरे साथ मेरे कमल भाई हैं। इस साइड चढ़ने के लिए जगह है जरा, यहाँ से चढ़ते हैं। पर इस साइड हरे हरे ही सेब हैं। यहाँ के जो सेब होते हैं वो मतलब हमारे इंडिया के मुकाबले थोड़े अंदर से तो मीठे होते, पर जो बाहर की स्किन होती है वो हार्ड होती है। यहाँ छोटे रह जाते हैं सेब, यहाँ पर थोड़ा साइज़ भी छोटा ही होता है। जहाँ पर मैं हूँ, हम हैं जहाँ पर, वहाँ की बात करें, बाकी तो क्या पता कैसे कैसे हैं। पर यहाँ के जैसे थोड़े कलर, इस साइड को कलर नहीं आया हुआ अभी तक, तो यहाँ से चढ़ते हैं हम। यहाँ पर पंडित जी सेब पर चढ़ते हुए, बस दो दो तीन पीस लाएगा पंडित भाई। मुझे डर लग रहा है यार तुम्हारा। ना नहीं, आ जा, उतर जा उतर जा, मैं चढ़ता हूँ बाद में। उतर जा उतर जा उतर जा। अच्छा ये पेड़ है, मतलब पन्नी कहाँ टाकनी है? तो ले कहाँ से आए थे आप? आज भाई कुछ अलग ही होने वाला है। काफी ऊंचाई पे चले गए पंडित जी, जूम करके दिखाना पड़ेगा आपको। हमने थैला लगा दिया यहाँ पे। हाँ, तो थैले के अंदर हम सेब तोड़ेंगे अभी फ्रेश। पंडित जल्दी करो, जल्दी नहीं होती। गिरना मत यार, बहुत रिस्की काम है। बस दो, मतलब चार या पांच पीस, बस ज्यादा नहीं। तो मैंने वो लगा दिया। हाँ बस बहुत है पंडित, मैं चढ़ो ऊपर यार। पंडित मुझे डरा रहा है बार बार। बस 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 बस, हाँ चढ़ने वाला मैं उनको। यहाँ पर लोग ये उतारते नहीं, क्योंकि इस पेड़ पे चढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जब आएंगे तो जो गवर्नमेंट की गाड़ी आएगी वो मशीन के साथ ये सेब को उतारेंगे, मतलब साइड में से। तो उनको नहीं पता था कि हिल बॉय यहाँ पहुँच जाएंगे। बस करो बस करो भाई, किलो नहीं हुआ। नहीं नहीं, बस बस रहने दो रहने दो, बस क्यों? बस हो गया। नहीं पर भाई, नहीं उतारना भाई, वहाँ फोटो में बाद में। एक मिनट रुको। तो फाइनली पंडित कमल भाई तोड़ के आ गए सेब, और भाई इनको दे दो, जो यहाँ के लोग हैं उनको दे दो, उनसे तो चढ़ा नहीं जाता बेचारों से। पहन लो ये,
काफ़ी सारे हैं, कम से कम 3-4 क्विंटल सेब होंगे इसमें लगे हुए। नहीं मैं नहीं जा रहा यार भाई। क्या हुआ? नहीं नहीं आप ही खाओ ना। तो पंडित जी दी टेस्ट करें सेब को, कैसा है? ये काफी अनुभव है इनको सेब का। चलो आगे चलो। 7 साल का अनुभव है सेब के बारे में, क्या बताएंगे टेस्ट? क्या पंडित जी बताएंगे अभी? पंडित जी बहुत मीठा है, बहुत मीठा। कैसा मतलब फील हो रहा है? आपके गाँव के सेब है? गाँव के नहीं। चलो कहाँ के लग रहे हैं? तो फाइनली हमने सेब तोड़ लिए। ये भाई कमल भाई ने सेब लाए हैं। एक मैंने तो 5 पीस बोले थे, लफाफा भर लिया। 2 किलो कितने? 2.5 किलो 10 के 2.5 किलो 2.5 10 किलो। हाँ तो खाते हैं सेब। आप मैं कोई चेक करेगा? चेक कर सकते हो आप भी, पर चलो मैं ही चेक करके बता देता हूँ आपको। फ्रेश पेड़ गया, हमने लगाए थे पेड़। तो फ्रेश पेड़ गया, अपने हाथ से तोड़ के लाए हैं। हाँ थोड़े से भाई हार्ड है, मीठा सही है और सॉफ्ट है, बाहर की जो स्किन है थोड़ा सा हार्ड है। यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ही मतलब फैसिलिटी दे रखी होती है कि हर जगह कोई से पेड़ पौधे लगा ही रखे होते हैं, तो फ्रूट के पैसे बच गए। क्योंकि मैंने देख लिया है 1 महीने तक मैं सेब यहीं से लेके जाया करूंगा, और नहीं तो कमल भाई साथ में है। जिस दिन कमल भाई को ऑफ, उस दिन कमल भाई लेके जाया करेंगे और फल दिखाएंगे आपको। हाँ उस फल को लेके चलेंगे अगले ब्लॉग में जब छुट्टी होगी। तो तब तक इसी सेब को खाएंगे हम। कितने दिन चल पड़ेगा ये? अभी तो हफ्ता चलेगा। हाँ हफ्ता मतलब अगली छुट्टी तक हमारे से कोटा हो गया पूरा। 4 दिन के बाद मिले तो हम चले ले आएंगे। हाँ तो आपको मिल ही जाएगा, आपने आप तो ले आ सकते हो। हम तो ला। तो भाई बहुत ही मतलब मीठा सेब है, मीठा ना किसी का, की ना किसी का लगा, ना ये नमंडी का है, ना किसी का है, ना ये बसों में चला हुआ है, ना कोई कोरोना लगा हुआ कि सामने से तोड़ के लाए हैं। फ्रेश पेड़ का, फ्रेश पेड़ का फ्रेश फ्रूट है तो कमल भाई का कहना है। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, हमारा जो ब्लॉग है वो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी ऐसी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, हम बताते रहेंगे आपको यूरोप के बारे में। यूरोप मतलब इस्टोनिश कंट्री में जो भी है, जो भी सिस्टम है, पहले भी डाला मैंने ब्लॉग में, जो भी हमारा यूरो होगा तो हमारी फैमिली के साथ जुड़ जाइए, जो यूट्यूब परिवार है मेरा उसके साथ जुड़ जाइए सभी। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाता रहूँगा। और मैं तो सेब का एंजॉय कर मजा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। पंडित जी कुछ बोलना चाहोगे आप? ना हमने बहुत बोल लिया अभी। भारत के वंदे मातरम, जय हिंद मातरम, जय शंकर, जय भोलेनाथ। भगवान भोले शंकर के भक्त हैं, भक्त हैं पंडित जी। अरे और लास्ट जो आपने देखा होगा आपने मेरी वीडियो में, पंडित जी आते हैं तो जब हम घर में कोई फंक्शन करते हैं तो इनका पूरा पूजा पाठ मंत्र उच्चारण होता है, तो वो यही करते हैं। हरिओम। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।